मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है। आप ही मुझे समझा दीजिए। बात मत करना इस बारे में दोबारा। किसी ने सुन लिया ना तो हमें भी जेल में डाल देंगे। क्यों बापूजी? अटल, समझाया था ना मैंने तुम्हें? समझाया था कि नहीं? इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पर ध्यान देना। तो क्यों गया था वहां? जानती हो, स्कूल से आते वक्त वहां से रास्ता मोड़ लिया था हमने। तो क्यों गया था वहां दोबारा? फिर से उस बस्ती में नहीं जाना। और आगे से भगत सिंह का नाम लिया तो याद रखना। समझाओ इसे। क्या हुआ ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ? पढ़ाई करने की उम्र है इसकी और इसे दुनिया भर की बातों के बारे में जानना है। आप जरा समझाइए इसे, इन सब बातों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पूरे परिवार को परेशानी में डाल देगा और मेरी नौकरी छीन ले जाएगी वो अलग। माँ, बाबूजी ने मुझे डांटा क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे तो सिर्फ हमारी आजादी, गुलामी और भगत सिंह के बारे में भी जानना था। आप भी मुझे कुछ नहीं बताओगे? पता नहीं, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है, सब मुझसे छुपाते क्यों है? फिर वही बात है अटल, क्यों जानना है भगत सिंह के बारे में? क्या करोगे जानकर? तुमने तो कहा था कि उन बूढ़ी दादी ने कहा था कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी है और उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। वही तो, उन्हें फांसी पे क्यों चढ़ाया जा रहा है? और क्रांतिकारी होते कौन है, बनते कैसे? क्या क्रांतिकारी बनना सही है या गलत? इतने सारे सवाल है मेरे, लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब दे ही नहीं रहा। बस बस मत करो ऐसे सारी बातें, कोई सुन लेगा तो? खाना बन चुका है, हाथ मुंह धो लो, खाना खाने आ जाओ। प्रेम जाओ तुम भी। सोचिए आप लोग, वो छोटा सा बच्चा अटल कितनी हिम्मत रखता है। उसने आज सरेआम आप सब लोगों के सामने भगत सिंह का नाम लिया। मुझे तो लगता है उसके घर में कोई क्रांतिकारी तो नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका संबंध क्रांतिकारियों से हो, या ये भी हो सकता है कि मास्टर जी खुद क्रांतिकारी हो, या
उनके पिताजी भी हो सकते हैं। पोथी पत्रे के आड़ में ना जाने क्या क्या करते हैं ये लोग। मालिक, आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। पास की बस्ती में रह रहा मेरा साथी बता रहा था कि अटल क्रांतिकारियों की बस्ती में गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बच्चे के हाथ क्रांतिकारियों तक कोई संदेश या खबर भिजवाई हो। अगर ऐसा है तो ये काफी खुशी की बात है। खुशी की बात? वो कैसे? वो इसलिए कि अगर ये बात स्कूल के प्रिंसिपल के सामने साबित हो गई किसी भी तरीके से कि अटल का संबंध क्रांतिकारियों से है, तो ये जो अटल है ना, जिसने आज ही अंग्रेजी स्कूल में दाखिला पाया है, सीधे स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। और क्या पता अपने कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी नौकरी से हाथ धो बैठे। अमर साहब, एक अंदर की खबर बताऊं, अटल अंग्रेजी प्रिंसिपल के सामने आज सुबह ही अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति पर भाषण दे चुका है। अच्छा? अरे हाँ, और ऊपर से अगर ये क्रांतिकारी कारनामा भी सामने आ गया तो मैं बता रहा हूँ, अटल सीधा स्कूल के बाहर और साथ ही साथ उसके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी, एक तीर दो निशान। फिर तो उमर साहब, अब तो सारी बात आप ही पर निर्भर है। देखना ये है कि अब आप कितनी जल्दी सारे सबूत इकट्ठा करके वाजपेयी जी के घर में बने मीठे हलवे का स्वाद कड़वा कैसे करते हैं। अटल, तुम अब भी यही बैठे हो, चलो उठ के खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, मुझे बस भगत सिंह, अपने गुलाम देश, आजादी और बाकी सब के बारे में जानना है। क्या जानना है? जानना है लगा रखा है तब से। खाना खा लो। देखो बेटा, हम लोगों ने हमेशा उसे सवाल पूछने पे उत्साहित किया है, इसलिए अब अटल के मन में जो भी सवाल है उनके जवाब हमें दे देने चाहिए। आप जानते हैं अटल को, उसे सच पता चल जाए तो अपने मन में दबा कर नहीं रख पाएगा, उल्टा सबसे कहते फिरेगा। अभी तो हम सिर्फ तोमर साहब और दयाल साहब से डर रहे हैं, उसे सच पता चल जाने के बाद हर किसी से डरते फिरना पड़ेगा। राह चलते अंग्रेजी सिपाहियों से लड़ने लगेगा ही। बाबूजी, 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 कपास के दुकान पर तोमर चाचा और दयाल चाचा मंडली जमाए हुए हैं। क्या कह रहे थे? वो लोग अटल को स्कूल से निकलवाने की बात कर रहे थे। ये तो होना ही था। अटल ने भगत सिंह के बारे में सवाल पूछा था, तब तोमर साहब यहीं थे। अब वहां दयाल साहब और तोमर साहब एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे हम सब जानते हैं। अब तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी करके अटल क्रांतिकारी सोच का साबित हो जाए, तब इसे स्कूल से निकलवा ही देंगे और मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सुनिए, अटल खाना भी नहीं खा रहा है, बार बार बस यही कह रहा है कि उसके सवाल हैं और उसे उनके जवाब चाहिए। अभी इसके समझ में नहीं आ रहा, इसके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, उनकी भनक अगर किसी को बाहर लग जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। जब खाने के लाले पड़ जाएंगे, जब हमें
दाने दाने के लिए मोहताज किया जाएगा, तब इसे पता चलेगा क्रांति का असली मतलब। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बात को समझो, अटल के सारे सवालों के जवाब दे दो, ताकि उसके सारे सवाल खत्म हो जाए। दादाजी रुको, मैं देखता हूं। नहीं भैया, आप मत जाइए, क्योंकि अटल गुस्से से नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? मैं समझाता हूं इसे, तो बहुत हो गया ये तमाशा। अटल, ऊपर कमरे में आओ। जानना है ना तुमको भगत सिंह के बारे में, और अंग्रेजी सरकार उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है वो भी जानना है। हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ जानना है भगत सिंह के बारे में। तो सुनो, यहां से करीब करीब 700 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, लाहौर। वहां अंग्रेजों के जेल में भगत सिंह कैद है और अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अटल बेटा, हम गुलाम हैं, हमारा देश गुलाम है, और गुलाम का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा नौकर जिससे कुछ भी करवाया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है उसे, और बदले में उसे उसके काम का मूल्य ना देकर उस पर अत्याचार भी किया जा सकता है। भगत सिंह इसी के खिलाफ लड़ते लड़ते वहां लाहौर की जेल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें गुलामी मंजूर नहीं है, वो हमारे देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। भगत सिंह, थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी का दिन और तारीख तय हो जाएगी। ये किताब खत्म हो गई है, दूसरी अगर दे पाएंगे ना तो एक और किताब खत्म कर लूंगा। कैसे आदमी हो तुम भगत सिंह, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। मैं तुम्हारी मरने की बात कर रहा हूं और तुम मुझसे किताब मांग रहे हो। मौत के बाद ये पड़ा हुआ क्या काम आएगा? मैं 22 साल से जेलर हूं, मौत का नाम सुनते ही सब लोग रोने बिलखने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे हो। ऐसा क्या मिल जाएगा तुम्हें इस मौत से भगत सिंह, जिसे सोचकर तुम मुस्कुरा रहे हो? जेलर साहब, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि जो चीज मैंने चुनी थी अब वो मेरे करीब आ रही है, यानी कि मेरी मौत, मेरी देश के लिए मेरी शहादत। लेकिन मौत का चुनाव क्यों? क्योंकि मेरे बाद मेरा मुल्क झांक सके। मैंने मेरी मौत का चुनाव लोगों को जगाने के लिए किया, ताकि कल को जब इस देश के बच्चे भगत सिंह की कहानियां सुने तब उनमें से हजारों भगत सिंह इस देश के लिए खड़े हो जाएं, और जिन अंग्रेजों ने गुलामी को हमारी तकदीर में लिख दी है उन अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाल कर इस मुल्क को आजाद भारत की तस्वीर बना दें।
हो सकता है लोग मुझे भूल जाएं, लेकिन हमारे देश को आजादी मिल गई ना, तो मेरे मरने के बाद भी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, और इतना निश्चित है कि पढ़े लिखे लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, कभी नहीं। और उन गोरों की क्रूरता का जो व्यक्ति विरोध करता है उसे क्रांतिकारी कहा जाता है, और ऐसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज हुकूमत फांसी पर चढ़ा देती है, और जो लोग उन क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं उनकी बस्तियों को जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, सबको जेल में डालता और इनके घर जलाता। तो इसका मतलब भगत सिंह एक क्रांतिकारी हुए? हाँ अटला, भगत सिंह एक क्रांतिकारी हुए। भगत सिंह ने अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए फांसी का फंदा चुना है बेटा। जेलर साहब, मेरी मौत मुझे आशा दे रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे मुल्क में कई बच्चे मेरे जैसे वतन पर मर मिटने वालों की कहानियां सुनकर देश के लिए कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का सोचेंगे। इसीलिए भी मैं अपनी मौत पे मुस्कुरा रहा हूँ। भगत सिंह, तुम्हारी बातें मुझे सपने जैसी लगती हैं। खैर, मैं तुम्हें दूसरी किताब ला कर देता हूँ। और ये सपना ही मेरा विश्वास है, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है वैसे ही क्रांति भी देश की आजादी का यज्ञ है, जिसमें मेरे जैसे लोगों की आहुतियां वो बीज बोएंगी जिससे इस देश के नौजवानों के मन में सपने उगेंगे, आजादी के सपने, आजाद मुल्क के सपने, और वही सपने एक दिन इस देश को आजाद करवाएंगे। और वहां लाहौर की जेल में भगत सिंह अकेले कैद नहीं है, उनके साथ उनके और दो क्रांतिकारी साथी भी हैं, सुखदेव और राजगुरु। उन्हें भी फांसी होने वाली है। ये सब हमारे नायक है अटला, स्वतंत्रता के अग्रदूत, और पता है ये सब बहुत बहादुर है, बहुत। और इसीलिए इन क्रांतिकारी सपूतों के खातिर हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। हाँ, सचमुच गर्व है हमें हमारे वीरों पर। लेकिन बाबूजी, आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हो वहाँ के प्रधानाचार्य भी अंग्रेज है ना, तो आप उनसे कह दीजिए कि भगत सिंह को छोड़ दें। वो उनके बस में नहीं है बेटा। तो फिर किसके बस में है? ये उन अधिकारियों के बस में है जो उनसे बहुत ऊपर है। तो फिर हम ऊपर के अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचाएंगे? हम ऐसा कर सकते हैं ना बाबूजी? तुमको ये सब बच्चों का खेल लगता है क्या अटल? आज ही तुम देखकर आए हो ना, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई उनके साथ क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई, लोगों को मारा पीटा गया, और अभी भी कुछ लोग घायल हैं। अटल, तुम अभी बालक हो, समझ नहीं पा रहे हो। वो जो ऊपर के अधिकारी हैं ना, उन्हें सब पता है बेटा, वो भी यही चाहते हैं कि उनके विरोध में उठने वाली हर आवाज को फांसी दी जाए।
और हम नहीं चाहते हैं कि इस जालिम सत्ता की नजर तुम पर पड़े बेटा, इसीलिए तब से तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। और इसके आगे भी इस मामले पर बात ना करो तो ही अच्छा है। पर माँ। अटल, आओ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न बचे हैं, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, दुनियादारी सीखते जाओगे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने आप मिलते जाएंगे बेटा। बेटा अटल, बस्तियों की जल जाने से या हमारे खत्म होने से भगत सिंह को बचाया नहीं जा सकता है। मिथिला, खाना परोसो सबके लिए, जाओ खाना खा लो, जाओ। ये बेबसी की धुन बहुत गहरी है, और जब धुन गहरी होती है तो मौसम साफ होने का इंतजार करना चाहिए। अभी हम सब बेबस है, बहुत बेबस। फिर क्या भगत सिंह मर जाएंगे माँ? बोलो ना माँ, क्या होगा भगत सिंह के साथ? सुनिए सुनिए, सब लोग सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग बाहर आ जाइए। क्या हो गया तोमर साहब, क्यों इकट्ठा कर रहे हो सबको? खबर ही कुछ ऐसी है। क्या खबर है तोमर साहब? सनसनी है, सनसनी। सनसनी? कैसी सनसनी? कल सुबह भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। फांसी? कम से कम अब तो आप लोग समझ जाइए, अंग्रेजी हुकूमत कितनी ताकतवर है। इतना विरोध करने के बावजूद भी क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। कल सुबह भगत सिंह को आजादी के सारे अरमानों के साथ फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। भगत सिंह को कोई नहीं बचा सकता। अंग्रेज लोग विदेशी जरूर हैं, लेकिन उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेने में ही हम सबकी भलाई है। अरे ऐसे कैसे स्वीकार कर ले सत्ता किसी? हाँ, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे भैया? रो मत, मत रो बेटा। माँ, हम किसी तरह भगत सिंह को बचा नहीं सकते? नहीं बेटा, अब हम तो क्या,
भगत सिंह को कोई नहीं बचा सकता। पर क्यों माँ?